हेलो दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं पार्ट वन के रूप में, और इस तरह से अगला वीडियो बनाएंगे, 50-50 क्वेश्चन लेके आएंगे महात्मा गांधी से। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ चालू किया था? तो यह था चंपारण में, इसका बी आंसर है। नेक्स्ट है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? वो था भगत सिंह, भगत सिंह द्वारा कैप्टन सैंडर्स मारा गया था। नेक्स्ट है, जय हिंद के नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये था सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प किया था, वो था 1940 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? वो था हैदराबाद, हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था। छठा है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? ये था सुभाष चंद्र बोस, ये सुभाष चंद्र बोस था। नेक्स्ट है, देश बंधु की उपाधि से संबंधित है, देश बंधु किसे कहते हैं? वो थे चित्तरंजन दास, सीआर दास या चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ हुआ था? तो यह था लाहौर में, 1829 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1942 में, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था कितना ईस्वी में दिया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट है, 11 नंबर, सूची वन सूची टू से मिलान करना है, अब्दुल गफ्फार खान को ये मिल जाएगा दो में सीमांत गांधी से नाम से जाना जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नाम से जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, अरविंद नटवर को देव गुरु के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप याद इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन जो 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920-22 को हुआ था, उसे क्यों निलंबित किया गया था? इसका आंसर चौरा चौरी में हुए हिंसक के घटना के कारण उसको निलंबित कर दिया गया था, चौरा चौरी की हिंसा की घटना के कारण। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ था? यह था अमृतसर, पंजाब में। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? इसका आंसर यह हो जाएगा, 1928 में लाहौर में सैयद की हत्या के कारण, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इसको फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के 23 मार्च 1931 को, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्ध के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रतिधिकार सरकार को दिया गया था? तो वर्ष 1919 को रौलट एक्ट के अधिनियम के तहत बिना मुकदमा के तहत किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार दिया गया था, तो रौलट एक्ट के विरुद्ध। 17 नंबर है, गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 में किससे संबंधित है? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से
गांधी इरविन समझौता संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम महाराजपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो यह था 1935 में भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। नेक्स्ट है, 1919 के अधिनियम में देव शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? तो जेम्स फोर्ड ने देव शासन के धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो था जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वो तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, 20 सितंबर 1932 को येरवड़ा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया था? तो रैम से मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध था। 1932 को येरवड़ा जेल में महात्मा गांधी ने अनशन किसके विरुद्ध किया था? तो रैम से मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में किया था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रण जनसंघन चलाने के विशेष तकनीकों को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी, वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ पटेल थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के विरुद्ध महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल के बाद, मिल मजदूर के हड़ताल 1918 में, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, ये था RERR यानी जनरल डायर था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन 1942 को असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ये तक क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने के दृष्टिकोण, क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? वो तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट, जब 15 अगस्त 1947 को भारत की पहली आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये कलकत्ता में थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना, भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। 32 नंबर, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी गोपालाचारी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो सी गोपालाचारी, ये भारतीय था। नेक्स्ट, कायदे आजम किसे कहते हैं? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ने के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाम से जाना जाता है। तो राज्यों के पूर्ण गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। दीन बंधु है ये चित्तरंजन दास को जाना जाता है।
नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किस गोल सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? वो था द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो लंदन गए थे, इसको आप याद रखें कि। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये जेम्स फोर्ड थे, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियन फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास। पुस्तक के लेखक है इंडिया फॉर इंडियंस, तो चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? ये नाथुराम गोडसे ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता 1928 में, तो इसको आप याद रखेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? 1921 में, तो इसको आप याद रखेंगे। 42 से, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण खोखले, इसको याद रखेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? ये मोहम्मद इकबाल थे। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीनबंधु सी एफ इंड्यूज के नाम से दीनबंधु थे। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के रचनाकार कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट, क्रमानुसार व्यवस्थित करें कौन पहले हुआ था? ये थे साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में हुआ था साइमन कमीशन का भारत का आगमन। असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था, 1920 से लेकर 1922 में हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करने करके नमक कानून का विरोध किया? तो 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विद्रोह किया था, 385 किलोमीटर, तो इसको आप याद रखेंगे। 48 से, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण चंपारण सत्याग्रह के शामिल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? तो आरसी दास था, दो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था, इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, 50 क्वेश्चन था। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।